वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक चीज़ लाने, तो आपको हम दिखाएंगे जो कि एक स्पेशल चीज़ है। तो शायद से पता चल चुका है बट मैं देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि भैया के लिए मंगाया हूँ एक चीज़। तो क्या चीज़ है, चलो चलते हैं। अभी हम हैं अपना दुकान पर, भी काम बहुत ज़्यादा है फिलहाल, तो सीजन आ चुका है बट भैया ने इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है तो अभी जाना पड़ेगा मलकानगिरी। तो चलो चलते हैं मलकानगिरी जाकर, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ हमारा मलकानगिरी टाउन का व्यू एंड सामान को दिखाएंगे। सामान जो कि एक गोडाउन पे आ चुका है तो गोडाउन वगैरह दिखाऊंगा, नाम वगैरह सब कुछ वहाँ पे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे साथ आप भी मलकानगिरी, ठीक है भैया, रेडी हो चुके हो? चलो चलो ताला दड़ी जाकर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मलकानगिरी के पास। तो देख सकते हेलमेट पहन लिया था इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखा पाया। तो अभी आ गया एक कॉल, शिजू भाई फ़ोन कट हो गया। चलो चलते हैं, और ऑलमोस्ट 500 मीटर दूर जो कि हमारा एक गोडाउन है वहाँ पे जो सामान आ गया, ठीक है चलो चलते हैं। हेलो आशीष, सब भलो अच्छे? हम एड्रेस अखन दुकान नहीं है, अनबॉक्सिंग करो देखवा, ठीक है चलो। अनबॉक्सिंग करना ना, এখানে হবে না আনবক্সিং। কেন না, এটা প্রফেশনাল জায়গা থাকবে, এটা ওরা যদি ভালো না লাগে ক্যান্সেল মারা হবে, রিটার্ন নিয়ে চলে যাবে। যত হোক আমরা বাঙালি বলে দিয়েছি, চলো এবার হিন্দিতে বলা যাক। এই জায়গা ইধার আও ভাইয়া, ইয়ো সেলফি হো গয়া আমারা। আবি হাম হে কাহাঁ পে, রায়পুর। ভাইয়া ভিডিও হো রহা, ইধার প্রাঙ্ক হো গয়া আমারা। तो अभी हम जो कि मतलब दुकान पे आ चुके हैं, ये रहा जो कि हमारा कार्टून, मतलब इसके अंदर आया है हमारा सामान। चलो इसको टेबल के साथ ही लाते हैं, क्या लाया हूँ अभी हम दिखाते हैं ब्लॉग के, अभी हम ब्लॉग तरीके से अभी आपको हम दिखाएंगे। तो ये देख सकते हो अभी हमारा दुकान, दिखाओ भैया इधर कितना ज़्यादा काम चल रहा था, अभी जो कि बंद करने का टाइम हो चुका है, लगभग रात के 10 बज गया। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ दुकान, मतलब इसको अनबॉक्सिंग करने में गया था तो था दिन में, लेकिन रात में अभी थोड़ा टाइम मिला। भैया एक चाकू लेके आओ, इसको फाड़ना है। तो अभी हम कुछ इंट्रोड्यूस दे देंगे, मलकानगिरी में अभी हम गए थे बट जो कि ज़्यादा चीज़ आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि मतलब क्या ही दिखाए या क्या ही बताए, लेकिन थोड़ा वो लगता है, दिल में हिचकिचा फीलिंग आता है कि एक मैकेनिक होके ब्लॉग वीडियो करूँ, तो उस वजह से जो कि मैं आपको नहीं दिखाया, इसलिए सो सॉरी। तो ये रहा हमारा भाई ने चाकू लाया, चलो ये देख सकते हो हमने जो कि मतलब हमारे भैया के लिए, इसको एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, जो कि इलेक्ट्रिकल आइटम है इसीलिए हम आपको ब्लॉक करके दिखा रहे हैं। तो इसको हम मतलब जो कि अमेजोन से लाए, चलो इसको फाड़ते हैं, देख सकते हो अमेजोन प्राइम मेंबर। तो चलो इसको फाड़ते हैं, ये दोस्तों जो कि एक मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताना है इसके अंदर क्या चीज़ है। चलो इसको फाड़ लेते हैं, पैकेजिंग तो ठीक ठाक ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी चीज़ है, उसका प्राइस लिया है 9-10 हज़ार का आइटम है, तो पैकेजिंग तो होना ही चाहिए। देख सकते हो बॉक्स के बाद लिखा है बोश, जो कि चलो खोलते हैं। इसका वाटेज देखते हो, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, 300 मतलब कम वाटेज है एंड पैसा लिया जो कि हमसे 10 हज़ार। तो बताओ क्या चीज़ हो सकता है, तो शायद पता ही चल चुका, ये है जो कि इसका इमेजेस। चलो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ ब्लॉक तरीके से। ये दोस्तों जो कि एक ग्राइंडर मशीन है, इसका जो कि मॉडल नेम है, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कि बोश हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोफेशनल लिखा होगा, एंड यहाँ पर जो कि इसका मॉडल है GBS 3515, जो कि एक ग्राइंडर मशीन है, 9200 रुपये से हम लाए हैं। चलो अभी हम आपको ब्लॉक तरीके से अनबॉक्सिंग, ये जो कि एक टूल्स मिलता है इसका ब्लेड को खोलने के लिए, एक जो कि यूज़र किताब है, मतलब इसको देखकर हम पढ़ सकते हैं, एंड हम तो आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कैसे इसको करना है, एंड इसको फिटिंग करने के लिए ये कुछ नट बोल्ट, एंड ये और कुछ दूसरा नट बोल्ट, एंड ये और कुछ बहुत सारे चीज़ को फिटिंग करने के लिए दिया है, एंड ये दोनों को मुझे पता है, ये दोनों जो कि गॉगल्स की तरह है जो कि हमारे आई को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। चलो हम दोस्तों इसको फिटिंग करके भी आपको दिखाएंगे, एंड ये जो कि हमारा ग्राइंडर मशीन है। चलो वो दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, जो कि इसके साथ ब्लेड भी मिल रहा है हमें, वो इतना मतलब अच्छे से मैं पढ़ा नहीं हूँ उसके अंदर ब्लेड मिलेगा या नहीं, तो ब्लेड मिल गया इसलिए थैंक यू।
मिलना भी चाहिए था हमको। चलो नहीं अभी ज़्यादा अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, इतना ही काफ़ी, आपको दिखाना था दिखा दिया हूँ। हमारा सामान आ चुका है यहाँ पे देख सकते हो। तो खैर चलो भैया इधर दिखा दो हमारा थोड़ा दुकान, सबको सबको पता है या नहीं क्या पता, अभी दिखा देते हैं बाद में शायद मौका मिले या ना मिले। ये हमारा स्टोरेज रूम है जो कि अभी स्टोर अभी बंद होने वाला है जस्ट 10 मिनट के अंदर। और ये हमारा बाहर का व्यू, ये हमारा दुकान का बैनर, ज़्यादा मत दिखाओ, नंबर है उधर ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ तो दिखा दिया हूँ। खैर जो भी है आज को ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। चलो भैया हो गया बाहर और मत दिखाओ, तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ पे देख तो काम करने के लिए बस हम और हमारा भाई है, ज़्यादा आदमी नहीं है। और वीडियो कर रहे हैं हमारे बड़े भैया, थैंक यू। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।